तरफ से। ये देखो सब यहाँ पे आके जमा हो गए। अब्दुल्ला भाई भी है, हमारे अब्दुल्ला भाई चौस भी यहाँ पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज रोडसपुरा ग्राम पंचायत में आधार विकास पैनल को चूंकि 2 महीने का वक्फा हो गया है और इस 2 महीने में आधार विकास पैनल ने जो काम किए हैं, आज मैं आपके सामने वो कामों की लिस्ट रख रहा हूँ। हमारे आधार विकास पैनल से जितने भी मेंबर चुन के आए और जो हमारे दूसरे भी सदस्य है, उन सबों की मेहनत से आज हमारे गाँव के अंदर पानी की पाइपलाइन का काम शुरू हो चुका है और इंशाअल्लाह आने वाले 8 से 10 दिन में अपने पास में गांव के अंदर वीर अधिग्रहण का पानी जो है वो आ जाएगा। और उसी के साथ में सेकंड काम जो हम लोगों ने किया है वो था लाइट का। अपने गांव के अंदर लाइट की काफी समस्या थी, स्ट्रीट लाइट वगैरह कुछ भी नहीं थे, जो थे वो खराब हो चुके थे। तो हम सभी ने, पूरे सदस्यों ने मिलके उसको फॉलोअप लिया, ग्राम निधि से हमने वो लाइटों का पूरा मेंटेनेंस करवाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह 30 लाइट जो कि रात के वक्त में अपने कॉलोनी के अंदर रोशन हो चुके हैं। और उसी के साथ में तीसरा काम जो हमने करने की कोशिश किए थे वो था रोड के तालुक से, तो प्रिया चाइनीज से लेके नूर मस्जिद तक, वहां तक हमको रोड बनाना था। तो हम सब सदस्य मिलके वहां संजय सिरसाट साहब के पास में गए, उनसे बार बार निवेदन किया। निवेदन होने के बाद में उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आने वाली 15 तारीख के दिन इंशाअल्लाह ताला वो रोड का काम भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। तो सभी से आप लोगों ने जो पानी की दिक्कतें उठाई, पानी के लिए जो तकलीफ हुई, तो उसके लिए हम सबसे माफी भी चाहते हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि आने वाले 8 दिन के अंदर इंशाअल्लाह ताला पानी आपके घर तक पहुंच जाएगा। शुक्रिया। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।